भारत के लोग जब SMS करते हैं कि हैप्पी क्रिसमस, तो मेरे दिल के छाले में दर्द हो रहा होता है। आप सबको सूचना दे रहा हूं, मैं गौरव के साथ सूचना दे रहा हूं, चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया हमने सिखों को, ये बलिदानों की बड़ी शिलालेख वाली कौम थी। मैंने सुना नहीं है 121 बेटों को ऑथेंटिक फांसी हुई आजादी के संग्राम में, आपकी तालियां इस बलिदान को शायद बड़ा करें, 93 बेटे सिख मां की कोख में दिए थे, ये बलिदानों की बड़ी परंपरा थी। मैंने सुना नहीं इतिहास के अंदर कि ऐसा हुआ हो। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये 7 दिन पंजाब में शोक का सप्ताह माना जाता है, धरती पे सोते हैं लोग। गुरु के 4-4 बेटे बलिदान हो गए, 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए, जो बेटे चमकौर के दुर्ग में लड़ते लड़ते बलिदान हो गए। जब छोटे बेटे के गर्दन तक ईंट आ गई तो बड़े बेटे की आंखों में आंसू आ गए, बड़ा भाई रोने लग गया। छोटे ने कहा, बड़े भैया बलिदान के वक्त आया तो आंखों में आंसू आ गए, कायर हो, रोते क्यों हो? जो बलिदान छोटे बेटे ने बोलते समय कहा, बड़े बेटे ने जवाब दिया, मेरे रोंगटे खड़े हैं। उसने कहा, छोटे इसलिए नहीं रोता कि बलिदान का वक्त आ गया, रोता इसलिए हूं कि इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। बचपन में कभी भगवा ध्वज के सामने नमस्ते सदा वत्सले बोलते समय हमने श्लोक बोलते समय गीत पढ़ा था, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला। कहीं बैठे तो दिया कर रहा बधिया कटेम के लोग, तो जरा मेरे इस लाइन पर अपना साथ दें। फरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। उधर चमकौर के युद्ध में अजीत सिंह जी, बाबा अजीत सिंह युद्ध में बलिदान हो चुके थे, 40 सिंह बचे थे गढ़ी के अंदर। छोटे बेटे को कलगी टांकी गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिख परंपरा में ये तरीका है कि माँ कलगी टांगती है, लेकिन माँ उस दिन वहां थी नहीं, तो गुरु गोविंद सिंह जी पिता और माँ के दोनों धर्म निभाए और उसे कलगी टांग के भेजा। छोटा बेटा थोड़ी देर बाद वापस लौटा, गुरु समझ गए कि शायद डर गया है। कहले, कैसे आए? कहले, पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। गुरु गोविंद सिंह ने आंखों में लाल डोरे उभरे और एक ही वाक्य बोला, शर्म नहीं आती युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा लेते? हम बड़ी बलिदानी हैं। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया, गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया, कुछ को आरे से चिनवाया, कुछ थे रुई से जलवाए, कुछ सूली ऊपर टांग दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए, वो गर्म तवे पर चढ़े मगर, मुझे खामोशी खल जाएगी इस बार आपकी, वो गर्म तवे पर चढ़े मगर, निज सत्य पंथ से डिगे नहीं, पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं, पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं, पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं।